नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज अक्षय नवमी है जो कि महिलाएं यहां मना रही है। आप सीधा कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि आंवले के पेड़ पे वो धागा घुमा रही हैं। इसे कहा जाता है, मान्यता ये होती है कि उनकी जितनी भी दुख या फिर प्रॉब्लम्स है, पाप कटता है और साथ ही साथ उनके परिवारजनों की भी सुख समृद्धि उनके घर पर बढ़ती है और अगर वो सुहागिन है तो उनके पति की लंबी आयु होती है। तो हम सीधा जुड़ते हैं यहाँ के पुरोहित जी से और जानकारी लेते हैं इस पर्व के बारे में और साथ ही साथ हम जुड़ेंगे महिलाओं से भी और इस पर्व के मान्यताओं के बारे में जानेंगे। इसका अक्षय नवमी नाम है, ठीक है। तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से, जिस कारण से महिलाएं इस व्रत को करती हैं, ठीक है। एक राम शर्मा थे, ठीक है, ब्राह्मण। वह मतलब अति धनवान थे, परिश्रम करके धन इकट्ठा वह किए थे। तो उनके दो पुत्र हुए, एक धनंजय और एक कृष्ण शर्मा। तो दोनों जो हैं अपने पिता के भार को लिए और लेने के बाद जब उनको कोई बुजुर्ग सलाह देने वाले नहीं हुए तो वह अपने अज्ञान बस वह कुरास्ता में चले गए, यानी कि वह गलत करने लगे और सारा धन उनका नष्ट हो गया। फिर वह दोनों भाई चोरी करने लगे, तो चोरी जब करने लगे तो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए। तो राजा के समक्ष ले जा कर के उनको सौंपा गया, तो राजा ने उनको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तो वह दोनों भाई जा कर के जंगल में रहने लगे। जंगल में रहने लगे तो ब्राह्मण थे तो वहाँ कोई साधन नहीं मिला, तो मांसाहार करने लगे। मांसाहार करने से उनका जो है कुल भ्रष्ट हो गया। तो भ्रष्ट होने के बाद क्या हुआ कि उससे पहले जो उनके बड़े भाई थे तो जब विद्या प्राप्त करते थे ना, तो उस समय अपने गुरु के कथनानुसार उनके साथ उनकी लकड़ियाँ और उनके वस्त्र को लेकर के वो यमुना तट पर गए। यमुना तट पर जाने के बाद क्या हुआ कि वो कार्तिक मास थे, तो कार्तिक मास में पूजन करने से और अपने गुरु की सेवा करने से उनको असीम फल प्राप्त हुआ, जिस कारण उनके भाई जो हैं दोनों मर गए। जब तो दोनों गए यमपुरी में, तो एक को स्वर्ग जाने के लिए बोला गया और एक को नरक मिला। तो बड़े भाई जो हैं धनंजय शर्मा, वो बोले कि हम अपने भाई के बिना स्वर्ग में जा कर के खुश नहीं रहूँगा। इस कारण जो है फिर से वो यमदूत से पूछे, तो यमदूत बताते हैं कि आपने जो है शुक्ल पक्ष में कार्तिक मास नवमी को आपने एक व्रत किया था और अपने गुरु की सेवा की थी, जिस कारण आपको असीम फल प्राप्त हुआ है। अगर उस पुण्य को आप अपने भ्राता को दे देते हैं तो आपका भ्राता भी नरक से छूट करके सीधा स्वर्ग को जा सकता है। तो इस पुण्य फल को तो आपने समझ लिया कि क्या इसमें फल है। अगर दूसरा आदमी भी अगर इस पुण्य को करता है और दूसरे के लिए समर्पण कर देता है तो उसको भी अच्छा फल की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती। विष्णु भगवान जगेश हैं, ठीक है। तो विष्णु भगवान जगेश हैं तो उन्हीं को पूजा करने से कल्याण होता है और कार्तिक मास जो है विष्णु भगवान के लिए विशेष है। इसमें सब महिलाएं जो सुहागिन रहेगी वही करेगी, सुहाग कची चढ़ाती है, भुआ का दान चढ़ता है, आरती पूजा होता है, उसके बाद पंडित जी को दान देती है लोग। पंडित जी के हाथ में भुआ में जिसको जितना शक्ति अनुसार कोई पैसा कोई सोना चांदी डालकर और वो देती हैं। और उसके बाद यहाँ पर बैठकर खाना खाने का नियम है, आंवला गाछ के नीचे आंवला खाया जाता है। घर से जो खाना बना के लाती वो खा कर यहाँ खा उकर अपना फिर प्रणाम करके घर जाया जाता है, ये नियम है। मैंने देखा एक सब्जी है जिसको कपड़े में लाल कपड़े में बांधा गया, वो सब्जी क्या? वो भुआ उसको बोला जाता है, कद्दू कतर रहता उसको भुआ बोला जाता है या भतुआ बोला जाता है। वो दान करने से पंडित जी बोलते हैं कि अच्छा होता है, बहुत अच्छा चीज़ है। वो दान करने से उनका जो भी पाप कट जाता है, जो पाप की रहती है क्या भगवान जाने, हम लोग वही दान करता वही भ्रम में। और वहाँ पर जो पूजन किया जा रहा है जो धागा है वो आंवले के पेड़ में बांधा जा रहा है, उसकी क्या मान्यता?
उसका मान्यता है कि जितना बार आप करिए, कोई बार कोई 108 बार, कोई 21 बार ऐसे करता है, तो उसका मान्यता लंबा उम्र के लिए फिर करता है। तो इसमें कौन कौन सी महिलाएं पूजन कर सकती हैं? सादा सुहागन, यहाँ पर कहा जाता है वन भोज का भी नियम होता है, तो उसके बारे में एक बार बताओ। वन भोज के बारे में होता है, यहाँ घर से खाना बनाकर खिचड़ी खिचड़ी लाया जाता है और खाया जाता है आमला पेड़ के नीचे। खिचड़ी पूरी सब्जी पंडित जी को दान करके खिलाया जाता है और खुद खा कर फिर घर चल जाते हैं। तो यहाँ पे जो महिलाएं पूजन करी उनके साथ परिजन भी आते हैं? हाँ, परिजन भी आ सकते हैं, परिजन भी आ सकते हैं। घर के मतलब जो बड़ी रहती है, बड़ी जेठानी और सास, वो करती है। उसके बाद जो सदा सुहागन है सभी व्रत कर सकती है। तो जैसे कि आपने सुना है, इस पूजन का महत्व ये होता है कि घर में सुख समृद्धि बढ़ते, सुहागन हमेशा समृद्ध रहे, सुहागन रहे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भोजन कर रही है। वन भोजन का इस दिन अलग महत्व होता है, आंवले के नीचे वन भोजन किया जाता है, छठ व्रती है एवं अलग जो सुहागन महिलाएँ हैं वो ये पूजन करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूजन कार्य चल रहा है और यहाँ पर इसके बाद वो वन भोजन करेंगी। अलग ही महत्व है वन भोजन का। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे मेरा मीडिया के साथ, मेरे सहयोगी प्रतीक के साथ, मैं अंजलि, मेरा मीडिया, धन्यवाद।